अस्सलाम वालेकुम। आज मैं धाबा स्टाइल दाल फ्राई बनाना बताऊंगी। मसूर की दाल 2 कप है, टमाटे हैं, प्याज है, कोतमीर, हरी मिर्ची, लहसुन, करियापाक और इसमें घी तड़के के लिए डालेंगे। हल्दी है, जीरा है, तेल है, नमक, मिर्ची और ये हरी मिर्ची है और उसके लिए बघार की। अब मैं बताऊंगी आपको। अब मैं दाल डाल रही हूँ कुकर में, स्टोव ऑन कर दे रही हूँ। 2 कप दाल है, 1 ग्लास पानी डालूंगी, मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का डालूंगी और 1/2 स्पून हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च। इसमें हम कच्चा जीरा भी डालेंगे 1 चम्मच। अब मैं ये सब चीज़ें इसमें डाल दूंगी, टमाटे, करियापाक, लहसुन, हरी मिर्ची, कोतमीर, प्याज, ये सब डाल दिए। 2-4 हरी मिर्ची, सूखे मिर्ची लाल डालूंगी। इसके बाद में 2 से 3 सीटी पे निकाल लूंगी। देखिए दाल हो गई अपने, थोड़ा सा अपन घोट लेंगे। देखिए मैं इसको घोट ली और इसके बाद में अब नमक डाल रही हूँ। मैं नमक आप अपने हिसाब से भी डालिए, मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। देखिए मैं 2 चम्मचे घी डालूंगी बघार के लिए। 2 चम्मचे घी के बाद मैं 2 चम्मचे तेल डालूंगी, अच्छा रहना उसमें बघार तो ये अच्छा टेस्टी दिखता। 1 चम्मचा जीरा, 1/2 हरी मिर्ची स्लाइस करेंगे, लहसुन, थोड़ा सा पकने के बाद मैं ये डालूंगी लाल सूखी मिर्ची और करी पत्ता। उसके बाद में जो है सो मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। देखिए बघार होने पे है, तकरीबन हो चुका है। अब मैं चूल्हा ऑफ करके थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी। देखिए अब मैं बघार डाल दूँ इसमें। दाल फ्राई रेडी हो गई, मैं आपको सर्व करके बताऊंगी। देखिए दाल फ्राई बन के रेडी हो गई। आप लोग भी ट्राई करिए, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आऊँगी मैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।